तो ये मैं आज यहाँ आया था जुमेरा आइसलैंड में, आपको दिखाऊंगा साइकिल पे। तो ये साइकिल है, ये सारी आप देख रहे हैं, साइकिल खड़ी है। तो जुमेरा आइसलैंड में आज जाऊँगा यहाँ से साइकिल लेके, तो आप देखते हैं, आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो मेरा आइसलैंड में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तो ये मैं आज यहाँ आया था जो मेरा आइसलैंड में, आपको दिखाऊंगा साइकिल पे ना। तो ये साइकिल है, ये सारी आप देख रहे हैं, साइकिल खड़ी है। तो जो मेरा आइसलैंड में आज जाऊंगा यहाँ से साइकिल लेके, तो आप देखते हैं, आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करीम बाइक अनलॉक करनी पड़ेगी, तो ये हमने अनलॉक की है। उसके बाद जो मेरा आइसलैंड जो है वो यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ से है, तो हमें लेफ़्ट साइड पे जाना है। स्कूटी लेके भगा दे यार। तो जो मेरा आइसलैंड है वो इस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे ना, तो इस साइड पे हम जाएंगे। यहाँ से बचते बचाते ये डॉज करते हुए, तो यहाँ से अभी हम लोग नीचे उतर जाते हैं। कि सामने जो है आइसलैंड है, ये बड़ा फेमस है आपकी प्रॉपर्टी बाइंग वगैरह के चक्कर में, बहुत फेमस है। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा आता है, कहते हैं कि न्यूज़ आई थी कि सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्रॉपर्टी जो थी वो यहाँ पे हुई थी, सेल हुई थी इसे। ये है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ से ऊपर चढ़ा देता हूँ फोटो को। ऊपर रश तो नहीं होना चाहिए। तो ये देखें सारा, ये इसके जो मेरा बीच आ गया आपके राइट साइड पे। तो ये जो मेरा आइसलैंड जो इन्होंने बीच के बीच में ही बनाया हुआ है, बीच के बीच में निकाल के छोटा सा एरिया उसको डिज़ाइन किया हुआ है इस तरीके से। तो ये देखें पानी के ऊपर से ब्रिज दिया हुआ है इन्होंने, आप देख रहे हैं सारा पानी के ऊपर ही जा रहा है। ये सारा पानी है आपके लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी पानी है। तो यार देखें सारा सब पानी पानी, तो अच्छा उन्होंने बनाया भाई। लोग आ रहे हैं, सेकंड ट्रैक है कि नहीं, ये सेकंड ट्रैक लेकिन है। साइकिल लेके आ गया हूँ, तो उसकी देखिए सारा बहुत जबरदस्त व्यू है, आपको भी देगा रुक के इसका व्यू भी दिखाता हूँ। आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, ये देखें सारा, ये देखें ये सारा जो मेरा आइसलैंड का व्यू है। ये सारा वो जो है वहाँ पे लामेर है और एक वाराशिरिया पोर्ट है ना आपके लेफ्ट साइड पे, और ये जो सारा है ये जो मेरा है सारा यहाँ पे वो एक जायद रोड है, और वो सामने आपके वो खलीफा दिख रहा होगा, सूरज भी दिख रहा है, लेकिन सूरज जो है वो थोड़ा सा वो है, आज थोड़ा बादल है या फिर थोड़ा सा फॉग है या स्मोक है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सूरज जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। और वहाँ पे ये देखें ये होटल है, यहाँ पे उस तरफ वो होटल है, और इस साइड पे भी पानी है, देखें अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये सब जो मेरा बीच है इस साइड पे सारा, ये सारा जो मेरा बीच है, ये जो मेरा आइसलैंड है सारा, तो ये जो मेरा आइसलैंड है सारा देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेन बीच है। देखें कितना अच्छा व्यू है बिल्डिंगों का, नाइट में आएंगे तो लाइटें जल्दी होती हैं यहाँ पे, तो ये बड़ा अच्छा व्यू आपके सामने पेश करता है। तो ये जो ये लगी हुई है गोल गोल बनाए हुए ना वाइट कलर के खंभे, ये जो बनाए हुए ये नाइट में लाइट जलती हैं इसमें, तो ये भी नाइट में व्यू देते हैं लाइट जलने का। तो ये है, मैं भी आगे की तरफ आपको ले आके ना कि आगे भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं ब्रिज के ऊपर से जा रहा हूँ, नीचे पानी है, देखें सारा सब पानी पानी है। तो ये जुमेरा आइसलैंड है, ये बड़ी फेमस हो गया था बीच में, यहाँ पूरी हाईएस्ट
वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था कि इन्होंने प्रॉपर्टी सेल की यहाँ पे, तो उसकी बेस पे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो मोस्टली रेजिडेंसी का एरिया, होटल्स हैं, रेजिडेंसी है, होटल्स एंड रेजिडेंसी, मोस्टली यही है। टूरिस्ट मतलब यहाँ पे आके बस, अगर पैसे वाले टूरिस्ट यहाँ पे होटल करा सकते हैं फॉर द व्यू। तो ये देख पानी है सारे, दोनों साइड पे पानी है आपके, और बीच में इन्होंने ये बना दिया, देखें परिंदे भी उड़ रहे हैं बीच में। तो ये सारा जो मेरा आइसलैंड है, अब इसके अंदर प्राइवेट एक्सेस भी है, पता नहीं जाने देते नहीं देते जाने, वो भी अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसा व्यू है, ये सामने बुर्ज खलीफा आपके दिख रहा है सामने, यहाँ तो फायरवर्क्स भी लोग देख सकते हैं आगे, दूर है लेकिन पीसफुल है। देखें ये घास है, ये देखें सारी घास बनाई हुई है, व्यू देखें तो ज़बरदस्त व्यू दिया है इन्होंने। और ये एरिया उधर भी जा रहा है कहीं पे घूमता घुमाता, लेकिन बंद है तो हम तो यहाँ वापस चलेंगे। तो देखिए ज़बरदस्त व्यू दे रहा है आपका, यहाँ पर रेजिडेंसी का है ये सारा। तो हम भी देखते हैं हमेशा, देख रहे हैं सारा सब रेजिडेंसी का है ये। ये इस तरफ क्या बना हुआ है लिखा हुआ है आपकी लेफ्ट साइड पे, बबलोगरी, कोई पता नहीं माफिया का रेस्टोरेंट, कोई होटल वोटल तो नहीं बना हुआ। ये तो अंदर जा रहे हैं, हमें भी अंदर जाने की ट्राई मार लो सीधा सीधा। तो ये हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, नॉट अलाउड, जाने इसमें आ जाने नहीं दिया इसने, मुझे मना कर दिया, कह रहा अलाउ नहीं है यहाँ पे जाना। तो और यही है बस जुमेरा आइसलैंड, देखें सारा जुमेरा आइसलैंड है, ये राउंड अबाउट है मेन जुमेरा आइसलैंड का। तो इस तरीके से बना के रखा हुआ है, वहाँ भी रेजिडेंसी, वहाँ भी अलाउ नहीं करेंगे राइट साइड पे, तो सब रेजिडेंशियल एरिया है असल में, तो टूरिस्ट वगैरह अलाउ नहीं होंगे। ये रेजिडेंशियल एरिया टूरिस्ट वगैरह अलाउ नहीं है। तो ये जो मेरा आइसलैंड है, ये सारी प्रॉपर्टी बड़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी जो आपको हैं दिख रही हैं। तो बस अब वापसी की तरफ जा रहे हैं, ये देखें सारा व्यू, देखें सारा बुर्ज खलीफा का व्यू, तो बस व्यू। अच्छा उस तरह से ही वापसी जा सकते थे दूसरी साइड से, लेकिन उधर व्यू नहीं है बिल्कुल, व्यू जो है ना सारा वो इस साइड पे है, तो मैं इस वजह से इधर जा रहा हूँ। उस साइड में बिल्कुल व्यू नहीं है, आप देख रहे हैं सारा लेफ्ट साइड पे सारा पानी पानी लग सकता है, सब बीच है, जो मेरा बीच आगे पीछे सब बीच है, ये बीच में बनाया भाई। थोड़ी बारिश भी हो रही है, पानी की बूंदें भी पड़ाई हैं बारिश की, ये सारा बीच है। देखें वो सामने शेख जायद रोड है,
तो इस तरीके से बनाया हुआ इन्होंने। और राइट साइड पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये देखें सारा, यही है सारा। और अभी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, पता नहीं कैमरे में छींटें आ रही होंगी नहीं आ रही होंगी, लेकिन बारिश हो रही है हल्की। तो ये है सारा, देखें बस ये जुमेरा आइसलैंड है, तो इस तरीके से बना के रखा है। पसंद आया होगा, देखिए बड़ा एक्सपेंसिव जगह ही है, खूबसूरती के लिहाज से, पानी के बीच में बादल तो मुझे बहुत दिख रहे हैं, लेकिन बारिश यहाँ पे होती नहीं है कभी, ज़्यादा तेज़ नहीं होती, होती है लेकिन बहुत तेज़ बारिश मैंने नहीं देखी यहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में तेज़ होके बंद हो गई ऐसी तो देखी है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं देखी। तो ये सारा देखिए दोनों साइड पर, ये तो लेफ्ट साइड पूरी कंप्लीट है बिल्कुल ना, बीच खुला हुआ है, राइट साइड में बहुत काम चल रहा है, इस साइड में बहुत काम चल रहा है। ये जगह पूरी कंप्लीट हुई है, शेख जायद रोड है वो सारा आपका, उस खलीफा का एरिया, उस सर मैंने दिखाया पोर्ट है आपका, और ये वापस हम जुमेरा रोड पे जा रहे हैं, ये जुमेरा आइसलैंड का एरिया अभी तक है पानी के अंदर, और वहाँ जाएंगे तो पानी के बाहर जाएंगे तो वापस जुमेरा रोड आ जाएगा। तो ये बस ये होटल है आपके राइट साइड पे देख रहे ब्राउन, ये होटल है बहुत ज़बरदस्त किस्म का फेमस होटल। तो ठीक है, ये मैंने जुमेरा आइसलैंड आपको दिखा दिया, तो आपको पसंद आया होगा, बड़ा ज़बरदस्त एरिया ही है। तो उसके साथ ऐसे प्लेइंग एरिया भी बनाया भाई, ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। ये भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, प्लेइंग एरिया इसके साथ जुमेरा आइसलैंड का पार्ट ही है। तो यहाँ से निकल के घूम के उधर जाना पड़ेगा, डॉजिंग करते दरख्तों को। बादल तो बड़े ज़बरदस्त आए, वो देखें हम उस ब्रिज पे थे, हम सामने जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, वही इस ब्रिज से हम लोग गए थे, और फिर यहाँ से हम लोग वापस आ गए। ये प्लेइंग एरिया में आपको दिखाने आया था जुमेरा आइसलैंड का, ये राइट साइड पे जॉगिंग ट्रैक है, प्लेइंग एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, और इस तरीके से बनाया हुआ है। ये सारे ये राइट साइड पर सारा बीच है, प्लेइंग एरिया है, बीच है। लेफ्ट साइड पर, सॉरी राइट पे नहीं है, लेफ्ट साइड। तो लिखा हुआ नो एंट्री, इस ब्रिज से उतर गए थे हम लोग, ग्यारह ब्रिज है ना वहाँ पे, जुमेरा आइसलैंड ये ब्रिज आ रहा है, वो सामने जुमेरा आइसलैंड है। और ये प्लेइंग एरिया है, ये सामने प्लेइंग एरिया है, आप खेल भी सकते हैं, आके बच्चों को छोड़ दिया खेलने के लिए, बाकी अपना काम करते रहे। तो ये पानी है दुबई कैन, फ्री वाटर मिलता है यहाँ से, मिनरल वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो ये सारा जुमेरा आइसलैंड का अब दूसरा ट्रैक आ गया है, तो बस ये बेसिकली हो गया दुबई बीच लिखा हुआ है, दुबई बीच आ गया जुमेरा आइसलैंड का, मैंने आपको दिखा दिया। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं आपको लामेर की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।